दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम का विश्लेषण किया जाए तो आपको अनुभव के रूप में कप्तान विराट कोहली और एवी डिविलियर्स जैसे ही खिलाड़ी नजर आएंगे, लेकिन आरसीबी ने हमेशा युवा खिलाड़ियों के सहारे टूर्नामेंट खेला है। इस बार भी टीम यकीनन युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताए हुए है। यही कारण है कि टीम के मुख्य कोच और डायरेक्टर माइक हेसन ने उन तीन भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों का जिक्र किया है जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को आईपीएल 2021 का खिताब जिता सकते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के क्रिकेट संचालन के मुखिया माइक हेसन ने युवा खिलाड़ियों को दूसरे ग्रुप पर भरोसा जताया है। पहले ग्रुप में देवदत्त पड्डीकल, वॉशिंगटन सुंदर और नवदीप सैनी थे, लेकिन इस नए ग्रुप में तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी डेब्यू नहीं किया है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आईपीएल विन ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, जिससे आप बड़े ही आसानी से घर बैठे पोकर और ऑनलाइन कैसीनो जैसे गेम्स खेलकर इजीली हजारों लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। और साथ ही इसमें आपको कई सारे बड़े बड़े डिस्काउंट्स और बड़े बड़े गिफ्ट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको यहां पर छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो यहां पर एकदम प्रोफेशनल टेक्निकल टीम है, जिससे कि आपको हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस भी मिलेगी। अब दोस्तों यहां पर बात करें प्राइवेसी की, तो ये ऐप बिल्कुल सेफ है, इसलिए आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपके पैसे पूरी तरह से सेफ रहेंगे। इसलिए दोस्तों देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए इस बेहतरीन ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेसन का मानना है आरसीबी के पास तीन अनकैप्ड क्रिकेटर हैं जो कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट की अगली सबसे बड़ी चीज हो सकते हैं। दिग्गज कोच माइक हेसन ने रजत पाटीदार, मोहम्मद अजरुद्दीन और सुयेश प्रभुदेसाई का नाम लिया। आरसीबी ने 20 लाख की बेस प्राइस में रजत पाटीदार को खरीदा है, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुछ तूफानियां पारी खेली थी। हेसन ने कहा, ये रजत पाटीदार का पहला आईपीएल है, वो 27 साल का है, इसलिए वो प्रथम श्रेणी प्रणाली को अच्छी तरीके से समझता है। वो एक शीर्ष गुणवत्ता वाला बल्लेबाज है। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया है। वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे हमने 2 साल तक देखा है, उनमें छक्के लगाने की जबरदस्त क्षमता है। 54 गेंदों पर 11 छक्कों की मदद से मुंबई के खिलाफ 137 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले मोहम्मद अजरुद्दीन के बारे में बात करते हुए माइक हेसन ने कहा, मोहम्मद अजरुद्दीन एक और दमदार युवा खिलाड़ी है। वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई खिलाफ शतक लगाने के बाद जाहिर तौर पर सुर्खियों में आए थे। ये टीवी पर दिखाया गया था, इसलिए हर किसी ने देखा होगा कि वो अपने अच्छे रूप में क्या कर सकता है। एवी डिविलियर्स के अलावा हमारे पास दूसरा विकल्प भी है जो लंबे लंबे छक्के मार सकता है। आरसीबी की टीम गोवा के खिलाड़ियों को पसंद करती है और इस बार सुयेश प्रभुदेसाई चौथे गोवा के खिलाड़ी हैं जिन्हें आरसीबी ने खरीदा है। इस पर माइक हेसन ने कहा, गोवा के केवल 4 खिलाड़ी आईपीएल में खेले हैं और वो चौथे स्थान पर हैं और निसंदेह शानदार फिनिशर हैं। उनके पास शॉट्स की पूरी रेंज है, जो मैदान के चारों ओर खेलते हैं। जहां तक फील्डिंग का सवाल है तो हमने कुछ सुधार किया है। आपको बता दें पिछले सीजन में आरसीबी ने शुरुआत दमदार की थी, लेकिन बीच के सीजन में टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। हालांकि टीम ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन फाइनल में जगह बनाने में टीम कामयाब नहीं हो पाई थी।